नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो लेखपाल का एग्जाम होगा उसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को पता होगा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए या 12th पास चाहिए और कंप्यूटर में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा आपसे, कितने क्वेश्चन होंगे, 25 प्रश्न होंगे, 20 अंकों का पूछा जाएगा। फिर गणित पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 20 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान होगा, 25 प्रश्न होंगे, 20 अंकों का पूछा जाएगा। और ग्राम समाज एवं विकास पूछा जाएगा, 25 प्रश्न होंगे, 20 अंक के पूछे जाएंगे। अगर लास्ट ईयर देखें तो यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया गया था, व्यक्तिगत परीक्षा भी लिया गया था जो कि 20 अंकों का था। मतलब टोटल इस प्रकार से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें हिंदी के सिलेबस के बारे में, तो हिंदी में देख सकते हैं जो बेसिक है, कक्षा 10 तक जो सिलेबस होता है, क्लास 10 तक का जो सिलेबस होता है उसको कवर करना है। जैसे अलंकार हो गया, रस समास हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तत्समस हो गया, तद्भव हो गया, संध्या हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, मुहावरे हो गया, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि संबंधी अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो ये हिंदी का सिलेबस हुआ। उसके बाद गणित का सिलेबस देखिएगा, गणित भी आसान सा पूछा जाएगा इसमें। सबसे पहले अंकीय गणित एवं सांख्यिकी, तो इसमें अंक गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे DI भी पूछा जाएगा, ठीक है। संख्या पद्धति जिसमें हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, सांख्यिकी हो गया, मतलब DI हो गया, डेटा से संबंधित प्रश्न होंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता और जो सांख्यिकी होता है वो भी पूछा जाएगा, जो कक्षा 10 में आपने पढ़ा हुआ है, मीन मीडियन मोड, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंकड़ों का निरूपण, ये पाई चार्ट वाला हो गया, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, DI हो गया, आयत चित्रण हो गया, बारंबारता बहुभुज हो गया, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ये सिलेबस हो गया। जो अंक गणित और सांख्यिकी है उसका सिलेबस हो गया। उसके बाद बीज गणित में HCF LCM पूछा जाएगा, उससे संबंधित समीकरण, द्विघातीय समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित में देखिएगा, रेखा गणित में आपसे त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम पूछा जाएगा, फिर त्रिभुज पूछा जाएगा, आयत वर्ग समलंब समानांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान में बात करें, सामान्य ज्ञान में आपसे पूछा जाएगा जो बेसिक होता है 10th तक का सिलेबस, उसको कवर किया जाएगा। मतलब सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट आप देख सकते हैं, घटना चक्र का जो बुक आता है वह लीनियर, उसको भी आप देख सकते हैं, या यूथ का जो बुक है प्रीवियस ईयर 7000 क्वेश्चन वाला, उसे भी आप देख सकते हैं। तो मैंने बुक का वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, तो आपको उसी बुक से GK देख लेना है, ठीक है ना। घटना चक्र का जो बुक होता है वो यूपी के एग्जाम पे आधारित होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप GK और GS के लिए उस बुक को देख सकते हैं, आपका पूरा GK GS कवर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस GA स्टैटिक GA करेंट अफेयर ये सब कवर किया जाएगा। 25 क्वेश्चन होंगे इसके GK के, ठीक है। आगे अगर हम बात करें ग्राम विकास के बारे में, तो ग्राम विकास में देखिएगा, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास संशोध प्रणाली, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास भूमि सुधार, तो ये ग्राम विकास का सिलेबस है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मैम अगला वीडियो जो लेके आऊँगा, ग्राम विकास में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, और आप लोग को आंसर किस प्रकार से देना है उस पर भी एक वीडियो मैं प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बता दिया था, तो ये चार सेक्शन है, चारों सेक्शन का मैंने सिलेबस बता दिया, सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और GA का सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या, सबसे पहले GA में आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में तीन प्रकार के हिस्ट्री आते हैं, एक आते हैं प्राचीन भारत, एक आता है आपका मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, पॉलिटिकल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे राजनीति उसी में आ जाएगा।
उसके बाद पूरा लूसेंट, मतलब जीएस में पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछा जाएगा, फिर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर ट्रेडिशनल जीके जिसमें नृत्य अवार्ड ये सब आ जाएगा, वो सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो इन सब टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और करेंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चनों की संख्या क्या है बहुत कम है, ठीक है ना, डिवाइड किया हुआ 25-25 क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे हम जो सिलेबस आपको बता रहे हैं ये अभी ये SRS पब्लिकेशन के बुक से बता रहे हैं, तो इनका जो बुक है ना एस पब्लिकेशन का, मैं नाम बता देता हूँ आपको, इस पब्लिकेशन का नाम है चक्षु। और यहाँ पे चाहे तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस पब्लिकेशन का नाम देखिएगा SRR पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन का बुक है जो कि अच्छा आ रहा है लेखपाल के लिए, आप चाहे तो इनको परचेज कर सकते हैं। और इनका ये ईमेल आईडी है, ठीक है, तो यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। जब ये बुक दोस्तों मेरे पास आएगा तो इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये बुक जो स्पेशली फोकस करता है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती के जो न्यू सिलेबस है उस पर ये फोकस करते हैं, कुछ दिन में ये बुक हमारे पास आ जाएगा, जिसमें आपको सब चीज़ कवर मिल जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, ये चारों सेक्शन आपको कवर किया जाएगा इस बुक में, ठीक है। SRR पब्लिकेशन आगरा का ये बुक है, अच्छा बुक है, ठीक है। इसका PDF मेरे पास है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये राजस्व लेखपाल 2021 के परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व लेखपाल सामान्य भर्ती परीक्षा 2021 का कंप्लीट सिलेबस इस बुक में कवर किया गया है, ठीक है। इसके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा आगे जाके, ये तो सिलेबस मैंने अभी आप लोग को बता दिया, इसके मैं दिखाना चाहता हूँ विषय सूची को देख लीजिएगा। इसमें जो हल परीक्षा प्रश्न है 2016 के, इसमें पहले जो सॉल्व है इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं करंट अफेयर दिया हुआ है 1 से 12 पेज में। उसके बाद आप देखिएगा राजस्व विभाग एक परिचय 1 से 16 पेज, सामान्य हिंदी 156 पेज में कवर किया हुआ है। उसके बाद हिंदी का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन से सिलेबस को कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे गणित देखिएगा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान देखिएगा, और ग्राम एवं विकास, मतलब एक ही बुक से आपको चारों चीज कवर हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा जो अच्छा बात मुझे इस बुक में लगता है दोस्तों, कि 1 से 56 पेज में आपका हिंदी कवर किया गया, फिर 1 से 80 पेज में मैथ्स कवर किया गया, उसके बाद आपका 1 से 128 पेज में जीके कवर किया गया, और ग्राम विकास 1 से 40 पेज में आपका कवर किया गया। तो बुक दोस्तों कुल मिला के अच्छा होने वाला है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो यहाँ पे देखिएगा इनका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट है, जो कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सेट को भी। ये देखिएगा राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2016 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आए थे, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पिछले साल कोई एग्जाम नहीं हुआ था, 2016 में एग्जाम हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार से आप बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। जब ये बुक आ जाएगा तो इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर ला दूंगा, ठीक है। और कैसे परचेज करना है लिंक जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, थैंक यू।